सो दिस इज GAT विदाउट वॉइस ही बना लेते हैं ना। विदाउट वॉइस होती थी क्या? हाँ अपन बोलेंगे नहीं, कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेंगे ब्लॉग और क्या। ये कार पार्किंग है, दिस इज द मेन गेट ऑफ AIT, डायरेक्टर सर का हाउस। So this is the main gate, that's the girls hostel. If you go there, you have a fine of 70,000. 60,000. 70 हो गया है। बहुत तेज तो पेट्रोल से भी ज़्यादा है। पेट्रोल से भी महंगा है। Half of fees है। ठीक है। ये long tennis इधर है। Now you can see हम लोग जा रहे हैं। This is the AIT 222. लॉन्ग टेनिस किस कोई खेलता है? तू खेलता है? नहीं नहीं मैं भी नहीं खेलता, सीख लेना। सीखेंगे, अभी तो स्नूकर ही सीख रहे हैं। सो ये एक कैंटीन बन रही है यहाँ पे। मेंटेनेंस चल रही है। ओके यहाँ से चलेंगे। ठीक है, ये कैफेटेरिया, ये भी है एक। ये कैफेटेरिया है, जो शटर है ना ये ऑन होता है। यहाँ पे तुम 10 रुपये का समोसा खरीद के खा सकते हो। यहाँ पे टीचर्स बैठ के खाते हैं। ये जगह आई थिंक विजिबल होगी। एंड ये तो बन ही रहा है यहाँ पे। ओके दिस इज़ द फुटबॉल ग्राउंड, यू कैन सी। जो टावर है उसके उधर साइड शॉप्स हैं कुछ, लाइक आइसक्रीम लॉन्ड्री और स्टेशनरी शॉप वगैरह। एंड दिस इज़ द फुटबॉल ग्राउंड, द ग्रास इज सुपर। लाइक कौन सा वॉलीबॉल है ना? हाँ उस जो बिल्कुल झाड़ियाँ सी लग रही है ना आगे, क्लीन कर दिया। दैट इज़ द वॉलीबॉल ग्राउंड विद कबड्डी ग्राउंड। और कौन सा ग्राउंड है पता नहीं सर। ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी द लाइब्रेरी। ये लेफ्ट हैंड साइड में लाइब्रेरी है अपनी, ये पूरा। ओके रुको अभी दिखाता हूँ, अभी आएगा जगह। एंड ये काफ़ी अच्छा है। लाइक यहाँ पे अपन चारपाई लगा के सो जाओ, JD सर आएंगे वो बोलेंगे क्या करते हो तुम। दिस इज़ अ बास्केटबॉल, देर आर टू कोर्ट्स। ठीक है, कोर्ट नंबर 1 जस्ट बिहाइंड इट दिस इज़ अ कोर्ट नंबर टू। ओके देयर यू कैन सी दैट इज़ द हॉस्टल विच आर यू करेंटली सीइंग इज़ द फॉर एफ़ीज़ हॉस्टल अब्दुल कलाम। एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दिस इज़ द राइट हैंड साइड फॉर दिस हॉस्टल आर फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर्स। And we are behind that hostel, FEs. And that's the this is a second court, badminton court. Okay, and you can see this is the ground. And cricket ground is under development. Hank, now it will be completed within. This is the practice ground, practice cricket. हाँ net जो भी है, ठीक है. First day हमने यहीं पे खेला था, काफी cool है. दो हैं, bat ball लेके आओ खेल लो. This is the AIT shopping complex. There are a lot of shops like barber shop, cycling club. There are a lot of cycle, not a lot, 10 to 14 cycles are there. And also gyms are inside that shopping complex. And you can see like if I laundry. Zoom it, this is the gym. After that laundry shop, there are, okay. And the building which are you currently seeing is for the, for those who COVID, whose report रिपोर्ट बिकम पॉजिटिव ना, कोविड पॉजिटिव होता है, सॉरी कोविड नेगेटिव होता है, क्या होता है कोविड पॉजिटिव है, हाँ जो भी होता है ठीक है, तो ये वाला उन्हीं के लिए है, स्टे करने के नॉर्मली मतलब टेम्प्रेरी स्टे है इस हॉस्टल में। एंड उसके जस्ट इस हॉस्टल के जस्ट पीछे वो क्या है स्क्वैश है। ठीक है, ये सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का हॉस्टल है। मतलब सेकेंड ईयर में ENTC यहाँ पे है, मैकेनिकल नहीं है, मैकेनिकल तो डॉम में है, वो पीछे साइड है। ठीक है, एंड जस्ट इसके पीछे डिगी हिल्स हैं। हिल्स दिख रहे हैं क्या? और राइट हाँ थोड़ा जूम करूँ, वो देखो हिल्स दिख रहे हैं ना। ओके कूल विजुअल है। सो दिस इज़ द हॉस्टल विशेष, अभी तुम्हें AIT हॉस्टल दिखाते हैं अंदर से कैसा है। हाँ ये अपना क्रिकेट ग्राउंड है, विच इज़ अंडर मेंटेनेंस, वही बन रहा है। यहाँ पे घास लग रही है, आई थिंक स्पोर्ट्स आकृति तक रेडी हो जाना चाहिए। हाफ ऑफ द ग्राउंड इज़ रेडी, नहीं
1/4 of the ground is ready and 1/4 is remaining. भाई 1/4 बन चुका है, ठीक है, बाकी का बन रहा है, बाकी का इज ऑल डिपेंड ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो आज तो काम बंद है, आई थिंक दिवाली तक 7-8 दिन। घास तो ओवरऑल लगी चुकी है यहाँ पे एंड ये हॉस्टल्स, ये एफिस का हॉस्टल है, क्रिकेट ग्राउंड, हम लोग इधर से आए थे एंड लेट्स गो। शाम के टाइम काफ़ी अच्छा रहता है उधर। क्या है वो देखो, लाइब्रेरी है, अपनी लाइब्रेरी है, ठीक है, काफ़ी कूल बनी है लाइब्रेरी, बड़ा सा रीडिंग रूम है एंड 110 की कैपेसिटी है। ये यहाँ पे अपना मैस है, एक मिनट लेट मी शो यू द मैस, बॉयज़ मैस, एज यू कैन सी आई थिंक इट इज़ विजिबल, ठीक है। तो ये बॉयज़ मैस है पूरा एंड उसके पीछे कुछ क्वार्टर्स होने हैं स्टाफ के लिए, मेन मैस अंदर है। हाँ भी ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे बस वे है टू गो इनसाइड दैट हॉस्टल, दैट्स ऑल। तो सामने देख रहे हो ना, दिस इज द वीड, आओ, नाउ यू कैन सी, ये इतना प्यारा डॉग है ना, लाइक लिटरली प्यार हो जाएगा इससे। अरे इधर आना था, उधर कहाँ जा रहा है, भाग गया ऑन कैमरा, बेइज्जती करा रहा है अपनी और कुछ नहीं। आजा आजा, क्रिकेट ग्राउंड वीड भाई, कहीं भी फैल जाएगा तुम्हारे रूम पे आके। आजा, ओ ओली ओली, ओ इसको खाना खिलाओ, बहुत कूल रहता है ना। देखा करता हूँ। सो दिस इज द एफिस हॉस्टल, इसकी वीडियो बाद में रिकॉर्ड करेंगे अंदर की, ठीक है, अलग से। ये एफिस हैं, ये अपने साथ हमारे वीड सर हैं, वीड सर को हर जगह जाने की परमिशन है, इसी में ले लेते हैं एफिस हॉस्टल में, यहीं तक रखते हैं, बाकी का बाद में नहीं, यहीं पे कर लेते हैं, अब आ ही गए हैं तो पूरा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं अंदर आ जाते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, उसके दिल में होगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अरे इसी में कर लेते हैं, हाँ ये स्नूकर वगैरह, ये यहाँ पे बैठने के लिए तुम्हारे, देखो यहाँ पर एक टेलीविजन है, ये टीवी लगी है, लेकिन क्या करोगे टीवी देख के, अपना मोबाइल यूज़ करो सबसे बढ़िया। ये चेयर्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल में तो काफ़ी अच्छी चेयर्स हैं, अपने यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो टेबल टेनिस, इसका हम लोगों ने तोड़ दिया है, वो क्या कहते हैं बैट जो होता है, ठीक है। ये तुम्हारी मैट्रिक्स है, ये तुम्हारा स्नूकर्स है, यहाँ पे खेल सकते हो कभी भी आके, मस्त खेलो। दे आर लॉट ऑफ बुक्स फॉर यू गाइस, यहाँ पे आना, यहाँ से उठा लेना, ठीक है, ख़रीदना मत बुकें, बाकी ये तो मैट्रिक्स है। चलो अब हॉस्टल के अंदर चलते हैं, ये फिश के लिए है, फिश तो गायब है। एंड तो मैं देखो रूम दिखाता हूँ, मैं जाओ ना, तुम्हें देख के आता हूँ। तो ये पे लाइक सभी रूम सेम जैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तू जाना यार, वो वेट कर रहा है, चले जा, तू जा, मैं आ रहा हूँ। भाई से भी जा नहीं रहा है अभी, मेरे डोमिनोज लेके आ रखा है, ठीक है। तो मैं रूम दिखाता हूँ, सो ट्रिपलेट देख लो, मोस्टली सिंगलेट तो पता नहीं, लेट मी शो यू द ट्रिपलेट, खोल ले भाई। ये देखो ये गेमिंग चल रही है, प्रकाश बॉय इज ऑन गेमिंग, क्या खेल रहा है तू, ये मेरा गेम कंप्लीट कर रहा है। ये देखो ये ट्रिपलेट है, दिस इज माय रूम, माय बेड, ये देखो ये बीमार हो चुका है एंड क्या पहले तब भी डोमिनोज फेल रहा है, डोमिनोज पे डोमिनोज। ये हमारा जैगर्स है, इस पर अगर तुम 10 रुपये देते हो देन यू कैन यहाँ पे फोटो अपनी क्लिक करवा सकते हो, ये पोस्टर लगा हुआ है एंड
सिंगलेट दिखा देता हूँ, देखो सिंगलेट दिखा देता हूँ लोगों को भाई साहब। कुछ लोग होंगे ना टॉपर्स, उन्हें सिंगलेट चाहिए होगा। एडिट हो जानी चाहिए पहले होगा क्या? एडिट हो जानी चाहिए। एडिट मैं नहीं करूँगा कुछ भी, मैं डायरेक्ट अपलोड करूँगा। इतना टाइम किसके पास है? इतना टाइम किसके पास है जो एडिट करेगा? अच्छा ये बाहर का ग्राउंड, बाहर का नज़ारा, यू कैन सी लाइक हिल्स, देखो दिख रही हैं क्या? हाँ वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही भाई। रूम नंबर 310 ऑन करना। ये देखो दो मिनट अभी अंदर रुको ना, रुको मैं बुलाता हूँ 310 पे कौन है। हाँ इसको ऑन कर। क्या कर रहा है अभी आए? ये पता नहीं अकेले रूम में क्या करता रहता है। दिस इज द सिंगलेट रूम। यूट्यूब पे डालने वाला है। ये इतना रूम गंदा था, मैंने कल ही साफ करवाया इस टट्टी इंसान से। बाहर पता नहीं कुछ, और ये बॉयज ही हॉस्टल है क्या ही करेगा बाहर देख कर, तुम बंदी रखता है इसलिए। तो टेबल ए पूरा रूम आ नहीं रहा है एक बार में। हेलो हेलो गाइस हेलो। ये हमारे विवेक सर, इनको बाद में देखते हैं। आ जा रूम पे, आएगा क्या? एक सामने वाला बाथरूम वाला भी सीन देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये सिंगलेट हैं, ट्रिपलेट हैं, डबलेट डबलेट एक दो हैं, वो अभी ओपन नहीं है। तो मैं एक बाहर का सीन दिखाता हूँ, मैं उधर से जाके, काफ़ी बढ़िया सीन है, मैंने कल ही कैप्चर किया था। ये डबलेट हैं बट ये अभी ओपन नहीं है क्योंकि अलॉट नहीं हुए किसी को। मोस्टली तो ट्रिपलेट एंड सिंगलेट, सिंगलेट भी 10-12 होते हैं। लाइक कॉम्प को 10 मिलेंगे, 10 कॉम्प को मिलेंगे, 10 ENTC को मिलेंगे, 10 मैकेनिकल को मिलेंगे, मतलब 10 के अप्रॉक्स। यानी हो भी सकता है 8 ही सिंगलेट दें या 11 सिंगलेट दे दें किसी को, तो डिपेंड करता है उनके। यार यहाँ पे विंडो थी ना, हाँ वहाँ पे मैं आया था मॉर्निंग में। लेफ्ट राइट साइड टॉप पे ठीक है। छत अभी ओपन नहीं है, ये यहाँ से मतलब शॉर्ट है अभी, यहाँ पे ओपन नहीं है यार। ये झाड़ियाँ सी पूरा जंगल सा बन रखा है। नाउ यू कैन सी ठीक है, अपने आसपास ये पूरा आर्मी का ही एरिया है। ठीक है पीछे भी जाऊंगी अगर। ये लॉक है अभी, अभी तो लॉक है, ऊपर जा नहीं सकते। देखो हील्स देखो, हाँ ये देखो बढ़िया सीन है, बंद है। ठीक है तो ये पूरा आर्मी प्रैक्टिस के लिए है उनका, वो टैंक वगैरह जो भी फायरिंग रेंज। और ये हील्स हैं, यहाँ पे जाना कंपलसरी है एंड पिक लेना वहाँ पे कंपलसरी है। तो एक हील्स यहाँ भी है मुझे वहाँ पे, वो ज़ूम करना ज़रा। आई थिंक घर बने हुए, रुक जा। नहीं घर नहीं है, वो हॉलीवुड लिखा रहता है ना कुछ लिखा है, जैसे हॉलीवुड मूवीज में हॉलीवुड लिखा था वैसे कुछ लिखा है। और बट 10x है, थोड़ा सा स्टेबल छोड़, फिर बाद में देख लेंगे जाके क्या है। सो यही था, बाकी इतना ही है। एक इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग करते हैं नाउ। बाय बाय बाय, चलो जाते हैं एंड।